डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए हम एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 9 लाए हैं। एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड के रिएक्शन को हमने देखना है क्लोरीन के साथ, कि क्लोरीन के साथ थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। आज हम इसको देखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 9 का, और रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड विद क्लोरीन। अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ मैं मज़ीद भी शेयर करना चाहूँगा। हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल बन चुका है, केमिस्ट्री वाला के नाम से मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे वीडियोस जितने भी हैं, फर्स्ट ईयर का कोर्स है या सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स है, हम एक एक करके सारा उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। आप लोग गुजारिश है इसको आप इसको सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को दें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या ट्यूशन वगैरह नहीं रख सकते, तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारा जो चैनल है, बल्कि आप लोगों का ही चैनल है केमिस्ट्री वाला, उसको ज़रूर यूट्यूब पर जाएँ और सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का क्लोरीन के साथ। देखिए, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो तो आप लोगों को पता है कि मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है और आर्गान है। ये एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं थर्ड पीरियड्स के अंदर। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गान। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, पिछले हमारे लेक्चर जो हो चुके हैं, पहले 8 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, 8 लेक्चर हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 9 हमारा स्टार्ट है। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, ने मैग अल सिप्स क्लार, ने मैग अल सिप्स क्लार, इसको ट्रिक से हमने याद किया था। अब इसका रिएक्शन, इन्हीं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के रिएक्शंस को हमने देखना है कि क्लोरीन के साथ क्या होता है। सबसे पहले आप देखें, आपका जो पहला रिएक्शन है वो सोडियम का है। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम दो लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम दो लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि सोडियम जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर फ्लेम पैदा होगा। फ्लेम, तो इस फ्लेम के कलर को याद करना ज़रूरी है कि यहाँ जो फ्लेम पैदा हो रही है इसका कलर क्या है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछेगा कि इसका कलर ब्लू है, ऑप्शन बी में आपसे पूछेगा इसका कलर रेड है, ऑप्शन सी में आपसे पूछेगा इसका कलर ग्रीन है, और ऑप्शन डी में इसका कलर पूछेगा ब्राउन कलर है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो सोडियम का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होता है तो यहाँ जो फ्लेम पैदा होगा उसका कलर ब्राउन कलर का होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि जब भी सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये अगर जो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में आई और वाइट सॉलिड होगा, जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो ये वाइट सॉलिड हो जाएगा, लेकिन जब ये जलेगा, फ्लेम पैदा करेगा, तो फ्लेम का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। यह बात क्लियर हो। दूसरे नंबर मैग्नीशियम के रिएक्शन हम देखते हैं क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना रहा है, जिस तरह ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना रहा है। ये तो टेबल साल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, अपने खानों को लजीज बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड भी साल्ट है, और जब ये साल्ट बना रहा है तो यहाँ पर इसका जो फ्लेम पैदा होगा वही इंटेंस फ्लेम है। इसका फ्लेम होगा इंटेंस वाइट फ्लेम होगा, वाइट फ्लेम होगा और उसके अंदर शिद्दत पाई जाएगी। वाइट फ्लेम होगा और इसके अंदर क्या पाई जाएगी, शिद्दत पाई जाएगी, और ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर हमें मिलेगा। तीसरा रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के साथ, और अक्सर इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा इसको तवज्जो से रखें कि तीसरे नंबर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम लेते हैं, इसके रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं।
तो ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आप इसको बैलेंस कर दें, यहाँ दो लगा दें, यहाँ दो लगा दें, यहाँ पर तीन लगा दें, तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ, इस रिएक्शन को देखें। सबसे पहले तो ये जो इसका कलर जो आएगा ये आपको पता होना चाहिए, जिस तरह यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाया तो इसका कलर भी आपको पता हो, येलो कलर आएगा। तो कलर आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाती है, कलर्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो यहाँ लगेगा कि यहाँ पर हमने क्लोरीन को भी लेना है, तो यहाँ पर एक कंडीशन को हमने रखना है कि क्लोरीन हमने ड्राई स्टेट में लेना है, मॉइस्चर वगैरह क्लोरीन के साथ मौजूद ना हो, ड्राई स्टेट के अंदर क्लोरीन को हमने लेना होगा। अब ये जो क्लोरीन है हमने ड्राई स्टेट में क्यों ली, खुश्क हालत में क्यों लिया, पानी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर मॉइस्चर मौजूद होगा इसके साथ, अगर क्लोरीन के साथ मॉइस्चर मौजूद हो तो इस चीज़ को याद रखें, ये मॉइस्चर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह बनेगी एल्यूमिनियम की फॉइल के ऊपर, और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह इस मॉइस्चर की वजह से बन गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, रुक जाएगा। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए हमने यहाँ पर क्लोरीन को मॉइस्चर से बचाना है। क्लोरीन को अगर हमने लेना है तो ड्राई स्टेट में लेना है, मॉइस्चर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन को भी क्लियर रखें कि हम क्लोरीन ड्राई स्टेट में क्यों लेते हैं, ड्राई स्टेट में इसलिए लेते हैं कि अगर यहाँ क्लोरीन के साथ मॉइस्चर होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये तय बना देगा, एल्यूमिनियम की तय के ऊपर लायर बना देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगा। यानी अगर एल्यूमिनियम की तय हमारे पास, यहाँ एल्यूमिनियम की फॉइल मौजूद है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय बन जाएगी। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसके ऊपर तय बनेगी, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो इस तय की वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एल्यूमिनियम मजीद रिएक्शन नहीं कर सकेगा। इसलिए यहाँ पर इसको हमने कौन सी स्टेट में लेना है, ड्राई स्टेट में लेना होगा। तीसरा रिएक्शन के बाद हम आते हैं चौथे रिएक्शन तरफ, सिलिकॉन के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि सिलिकॉन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ तो सिलिकॉन को एक हमने पाउडर हालत में लेना होगा, सिलिकॉन को हमने पाउडर हालत में लेना होगा। सिलिकॉन का साइज छोटा है, अगर ये फॉइल की सूरत में होगा या वायर की सूरत में होगा तो ये क्लोरीन से रिएक्शन नहीं कर सकेगा, साइज छोटे होने की वजह से, नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकेगा। इसलिए हम इसको पाउडर हालत में लेंगे, और पाउडर हालत में लेंगे तो ये हमें बनाकर देगा सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बनाकर देगा। अब इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लें, यहाँ पर आप दो लगा दें तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि यहाँ जो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है इसकी स्टेट हमारे पास कौन सी आएगी, तो ऑप्शन ए में आपके पास यहाँ लिखा होगा सॉलिड स्टेट आएगी, ऑप्शन बी में आपके पास लिक्विड स्टेट में आए, ऑप्शन लिक्विड स्टेट के बाद ऑप्शन सी आपके पास होगा गैस स्टेट में आएगा, और ऑप्शन डी आपके पास लिखा हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो स्टेट इसकी आएगी वो कौन सी स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट आएगी, कौन सी स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट में आकर यहाँ पर ये सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड जो है इसकी स्टेट जो हमारे पास रहेगी क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट रहेगी। और याद रखें इसका जो कलरलेस है, ये कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा इसका, कलरलेस होगा, कोई कलर वगैरह इसके मौजूद नहीं होगा। तो चार रिएक्शन ये, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। फास्फोरस की तरफ आएं, फास्फोरस जो है जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो दो किस्म के प्रोडक्ट हमें बनाकर देता है। नंबर एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो बनेगा इसकी स्टेट आपको क्लियर हो, स्टेट इसकी लिक्विड स्टेट होगी, हालत इसकी लिक्विड होगा, और
फर्मिंग लिक्विड होगा, ऐसा लिक्विड जिससे धुआं पैदा हो, झाग की सूरत में धुआं पैदा हो रहा हो, इस सूरत में फर्मिंग लिक्विड होगा। ये फास्फोरस क्लोरीन के साथ अमल करके फर्मिंग लिक्विड हमें बनाकर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता हो, ये ऑब्जेक्टिव आता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर आप 4 लगा दें, यहाँ पर आप 6 लगा दें, बैलेंस हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस आपसे मांगा जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में आपसे पूछा जाएगा कि +3 है, ऑप्शन बी में आपसे पूछा जाएगा +2 है, ऑप्शन सी में पूछा जाएगा +1 है, ऑप्शन डी में पूछा जाएगा +5 है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में आपने फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन 1 के लिए -1 है और 3 के लिए -3 हो जाएगा, हमने रिजल्ट 0 लाना है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए यहाँ पर हम फास्फोरस को +3 लेंगे, तो यहाँ जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास ठीक होगा। इस तरीके से यही फास्फोरस रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ तो दूसरा प्रोडक्ट हमें बनाकर देता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाकर देता है। इसको भी आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लें, यहाँ पर 4 लगा दें और यहाँ पर 10 लगा दें, बैलेंस हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखें ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर हो फास्फोरस का। क्लोरीन 1 के लिए -1 है, 5 के लिए क्लोरीन 1 के लिए -1 है और 5 के लिए -5 है, रिजल्ट 0 लाना है हमने। तो यहाँ पर +5 आ जाएगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो ऑब्जेक्टिव को पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन पूछे जाएंगे तो आपके पास +5 आ गया। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस क्या है, +5 है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका कलर हमारे सामने आएगा उस कलर को आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ कलर ऑप्शन पूछेगा, कौन सा कलर आएगा, रेड आएगा, बी ब्लू आएगा, सी स्ट्रा लाइक कलर, और डी येलो कलर आएगा। तो यहाँ जो कलर होगा वो स्ट्रा लाइक कलर होगा। अब ये जो कलर है स्ट्रा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रा कलर जो आएगा, ये कलर ऐसा होता है जैसे आप जो है कोई मेज़ की फसल ले लें, उसकी जो टहनियाँ होती हैं स्टाल्क, जब वो खुश्क हो जाएं उस वक्त जो उनका पीले रंग का जो कलर बनता है, ये जो कलर बनता है स्ट्रा कलर बनता है, पीला और ब्राउन कलर का जो कलर हमें नज़र आता है ये स्ट्रा कलर बनता है। तो इसका यहाँ कलर जो है स्ट्रा कलर आएगा, यानी जो स्टाल्क होती है प्लांट की, एक स्टाल्क ले लें, वो जब वो खुश्क हो जाए उसका जो कलर होता है वो स्ट्रा कलर कहलाता है। सल्फ़र के साथ इसका रिएक्शन, क्लोरीन का सल्फ़र के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो ये बनाता है डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास हासिल होगा ये लिक्विड स्टेट में होगा, डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड लिक्विड स्टेट में आएगा और इसकी जो है फाउल स्मेलिंग होगी, फाउल स्मेल आएगी, यानी वो बू जो आपको अच्छी न लगे, फाउल स्मेल आएगी। तो इसको भी आपको याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब भी सल्फ़र क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड बनाता है लिक्विड स्टेट में, और इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, फाउल स्मेल, वो स्मेल जो आपको अच्छी न लगे। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन यहाँ पर हम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस और सल्फ़र तक लेते हैं, क्लोरीन आर्गान के साथ रिएक्शन नहीं करता। आपको पता है कि ये जो आर्गान है ये स्टेबल है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, और जिस भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, नोबल गैसेस 0 ग्रुप्स हैं, नोबल ग्रुप हैं, शरीफ एलिमेंट्स हैं, किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करते, क्यों, आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट है, इसलिए इनका रिएक्शन आर्गान के साथ नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेक्चर नंबर 9, S and P block elements, जिसमें हमने देखा रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड विद क्लोरीन। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा
ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखें, आप लोगों का ही चैनल है, याद रखें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाला के नाम से यूट्यूब में ये मौजूद है। हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। वो बच्चे जो हमारे केपीके बोर्ड में, जिनके पास ट्यूशनों की सहूलत मौजूद नहीं है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम केमिस्ट्री वाला के चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके लिए पढ़ते रहें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।